जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग एक संकल्प लीजिए, इस डॉक्यूमेंट्री को, इस डॉक्यू ड्रामा को पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे। मजा नहीं आ रहा है, खाना तो खा ही लिया है ना, तो थोड़ा जोर से बोल दीजिए। और जो लोग नहीं खाए उनके लिए खाना है, तो थोड़ी एक बार और ताकत लगा दीजिए प्लीज। कुछ पंक्तियां हैं जो मैं कहना चाहूंगा विकास वैभव संगीत, क्यों मैंने ये बनाया। आदमी गैरों में जाता है तो घबराता है, भीड़ में जाता है तो घबराता है, गुम हो जाता है तो घबराता है। अचानक मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? नहीं नहीं, मैं गैरों में नहीं, मैं तो अपने लोगों में हूँ, फिर ये घबराहट क्यों? ये घबराहट नहीं, खुशी का एहसास है कि आखिर पहली बार मैं अपने लोगों में इतनी भीड़ में किसी एक जगह पर पहुंचा। मेरा बचपना था, मैं कोई बच्चा नहीं था जो कोई बाहर चला गया। मेरा बचपना मैंने अपने बिहार में जिया, और मेरे लिए मेरा बिहार ही मेरा भारत था। बिहार से बाहर निकला तो मुंबई शहर, फिल्मी दुनिया, कहानी को किरदार और किरदार को अमिताभ और शाहरुख बनाने वाले लोगों के दरमियान अपनी जगह तलाशता हुआ आपका एक बेटा, एक भाई उस जगह पहुंचा जहां सबकी खबर थी लेकिन अपनी खबर कहीं नहीं थी। एक दिन आईने में अपना चेहरा देख रहा था, तभी अचानक अपने से बड़ा चेहरा दिखाई दिया। पलट कर देखा तो मेरे बड़े भाई थे, जिसे आप विकास वैभव के नाम से जानते हैं। मैंने कुछ नए विकास को पेश नहीं किया या विकास में कोई नई बात नहीं डाली। सच्चा विकास, आपका विकास, हमारा विकास। हाँ, मैंने जुल्फे जरूर ठीक किए, चेहरे पे लगे धूल जरूर साफ किए, वो दौड़ता हुआ शख्स जिसने मैंने कहा इतना क्यों भाग रहे हो, उन्होंने कहा मेरी जिंदगी की हर सांस, मेरी जिंदगी की हर सांस मेरे बिहार के लिए है। दिल ने कहा जब आप बिहार के लिए हैं तो हम सब आपके लिए हैं। Let's inspire बिहार। और इस मुहिम में मेरा जो साथ दिया जिस इंसान ने, वो मेरे पार्टनर हैं, राजस्थान जयपुर के रहने वाले हैं, वैसे उनका नाम जगत सिंह सोलंकी है। उनकी लास्ट फिल्म थी लिपस्टिक अंडर माई बुर्का, जो प्रकाश झा जी ने प्रोड्यूस किया था, अलंकृता श्रीवास्तव ने डायरेक्ट किया था और एकता कपूर ने उस फिल्म को रिलीज किया था। उन्होंने इस फिल्म में, इस डॉक्यू ड्रामा में, जबकि वो बिहार के नहीं थे, विकास वैभव सर के स्टोरी को जानकर इंस्पायर होकर और इस डॉक्यू ड्रामा को बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी, और मेरी पूरी टीम ने इसमें पूरा सहयोग किया मेरा, और हम आज एक छोटा सा प्रयास था जिसको आपके सामने दिखा सके। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सम्मान और आप लोगों का साथ बरकरार रहा, तो विकास वैभव सर के लिए मैं एक डॉक्यू ड्रामा नहीं, हजारों डॉक्यू ड्रामा बनाने के लिए तैयार हूँ, और पूरी दुनिया में उनके नाम को और जिस उम्मीद से, जिस सोच से उन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार को स्टार्ट किया, उस मुहिम को पहुँचाने में उनका कदम से कदम मिलाकर मैं साथ दूंगा। मैं सागर श्रीवास्तव ये संकल्प लेता हूं कि विकास वैभव सर का आजीवन साथ दूंगा, चाहे वो किसी पोजीशन पर हो या नहीं। तो अंत में लेट्स इंस्पायर बिहार। अब एक बार फिर से तालियां तो बजा दीजिए। आज रात 9 बजे YouTube चैनल वो इंग्लिश संस का जो है उसके ऊपर वीडियो अपलोड होगा, और आप लोग से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज, मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है इन चीजों में, मैं भी आपके बीच का बच्चा हूँ,
और ये प्रयास मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि बिहार में परिवर्तन हो। और हम युवाओं के लिए एक संदेश देना चाहेंगे, एक विकास वैभव पूरे बिहार को बदलने की कोशिश किए हैं, आप सभी हजारों विकास वैभव बनने की कोशिश कीजिए, विकास वैभव को कॉपी मत कीजिए, उनके जैसा बनने की कोशिश कीजिए, तभी बिहार बदलेगा। सर का कहना है संघर्ष नहीं सहयोग करें, तो प्लीज सहयोग ही कीजिए, संघर्ष करने की स्थिति मत बनाइए। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करिएगा। नमस्कार। अंकिता, अंकिता